आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ग्राम पंचायत तलोखन में कृषि विस्तार सम्मेलन आयोजित कर ग्राम सहायक रवि गुप्ता जी, कृषि विस्तार अधिकारी ओम प्रकाश जी, पटवारी देव नारायण जी उपस्थित होकर किसानों को रासायनिक खाद त्याग कर जैविक खाद, खास पौष्टिक खाद की उपयोगिता बताते हुए उन्हें शासन द्वारा मिलने वाले उपकरण व साधनों के बारे में बताया गया। अभी मैं इसमें बताते जा रहा हूँ, अभी धान का फसल परिवर्तन करना है ना, तो धान फसल परिवर्तन में ऐसा नहीं साधन को दे रहे धान का रकबा कम करना, लेकिन हम लोग आखिर बताओ अभी 200 रुपया लीटर तेल खरीद रहे हैं, सरसों तेल या जो भी आप सोयाबीन तेल लेते होंगे, तो अपने को तिलहन और दलहन दाल की फसल दाल भी आपको कम से कम 125 रुपया किलो से कम नहीं होगा बाजार में, तो उसको भी आपको अरहर उड़द है ना मूंग ऐसे फसल को प्राथमिकता देना है और जैविक खेती की तरफ अपने को जाना है, रासायनिक खाद का उपयोग कम करना है। रासायनिक खाद उपयोग हम जितना कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं तो रासायनिक खाद के उपयोग में क्या हो रहा है, कितने प्रकार की बीमारी आ रही है ना। इसके अलावा रासायनिक खाद इतना महंगा है, आप ये बताओ कि इसको DAP का रेट 2400 रुपये बोरी है, हम कितने में लेके आते हैं 1200 रुपये में, जो पड़ रहा है आपको लग रहा है कि 1200 रुपये का बोरी है, लेकिन हमको आपको नहीं जानकारी है उसका 2400 रुपये, 2400 रुपये में सरकार आपके बदले 1200 रुपये आपको समिति को या जहाँ से सुना। आप ये ग्राम पंचायत तिलोखन के सरपंच हैं जी, आज क्या कार्यक्रम यहाँ रखा गया है? एक कार्यक्रम वही ग्राम सब किसान सब्जी योजना के बारे में रखे हैं और पटवारी भी चौथी नंबर के बारे में रखे हैं। जी जी, खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।